आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है, आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120 बी यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को तीन तीन टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक एक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट किया दिया कर दिया है। सर रोल क्या क्या बताएं सर, अबू सलेम का मुस्तफा दोसा का रोल क्या बताया गया सर? पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहाँ पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था, उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनिस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे जिन्होंने वहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्युनेशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो आरडीएक्स भेजेंगे और उसके साथ में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और रायट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पूरा उठाव करेंगे। मुस्तफा डोसा का बाद में ये रोल था कि उसने ये जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी उसमें जो तय किया गया था उसने पहले इनिशियल स्टेज लिया और उसने पहली कंसाइनमेंट 9/1/93 को दिघी जेटी पे भेजी, सेकंड कंसाइनमेंट फिर टाइगर ने लैंडिंग कर दिया था और थर्ड कंसाइनमेंट वापस मुस्तफा डोसा ने की थी। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सालेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था और वहाँ यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनिस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुरला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सालेम के पूरे कंट्रोल में था जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। Years we were just waiting, हम लोग रुके थे कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम लोग को पता चलेगा कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी टेररिस्ट है उनको सजा तो सुनने को आने वाली थी मगर सेंटेंस टू बी डेथ ये हम लोग को सुनना था और मुझे मालूम है, मुझे खातरी है कि यही हुआ है एंड डेफिनेटली जो भी रिजल्ट आज आया है वी आर वेरी पॉजिटिव, वी रिस्पेक्ट टाडा कोर्ट, वी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजंस आर फेवर टू अस, दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव थिंग। मुझे लगता है सबको दोषी करार मिलेगा और ये लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, हालांकि हम लोग अबू सालेम को नहीं दे सकते पोलैंड की ट्रीटी की वजह से, तो उनको मैक्सिमम साल की जो सजा होनी चाहिए वो डेफिनेटली करनी चाहिए। उनको दोषी करार दे दिया मगर उसको अभी फांसी की सजा सुनाई चाहिए मुस्तफा को और बाकी के 6 जो है वो सबको फांसी की सजा देंगे तो ही ये जस्टिस बराबर होगा, क्योंकि 24 साल के बाद अभी हम लोग उसको जस्टिस दे रहे तो फांसी की सजा तो डेफिनेटली देनी चाहिए उनको, नहीं तो क्या होगा अगर हम लोग उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाद में बाहर जाके भी वही यही करने वाले और ऐसे अनेक ब्लास्ट वापस होंगे।